डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदिल है और मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बाइक मैकेनिक हूँ और एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। हर रोज़ 10 से 15 बाइक्स ठीक करना, यही मेरा टारगेट होता है। इससे मैं कमाई कर पाता हूँ। मैंने 3 लड़कों को काफ़ी पहले रखा था। मुझे लगा था मैं अपने नीचे लड़कों को रखूँगा, आराम से कुर्सी पर बैठूँगा, बस उन्हें कहूँगा, वो काम करते जाएंगे। लेकिन 3 महीने उन्होंने काम सीखा था और मेरी इस दुकान के पास ही अपनी मैकेनिक की दुकान खोल ली। वहाँ वो बाइक्स ठीक करने लगे और मेरा काम बहुत कम हो गया। मैंने उसके बाद 2 लड़के और रखे थे, उन्हें भी काम सिखाया 5 महीने। वो काम छोड़कर अपनी दुकान खोल चुके थे थोड़ा आगे। मेरे जितने भी कस्टमर थे वो सब खींचते जा रहे थे। 2 सालों तक मैंने कई लड़कों को काम सिखाया। हर कोई काम सीखकर मेरे कस्टमर खींचकर अपने पास ले जाता। मैं समझ गया था खुद काम करना पड़ेगा, ऐसे तो सारे कस्टमर जाते रहेंगे। अब पूरे दिन में 8 से 9 बाइक्स आया करती थी, जबकि उनकी दुकानें भरी ही रहती। मुझे शुरू से काम करना पड़ रहा था। पहले तो मैं बहुत मेहनत से काम करता था, फिर मुझे लगा था एक कदम ऊपर जाना होगा नए लड़कों को रखकर। लेकिन उन्होंने मेरा इतना काम खराब किया, अब मुझे फिर से वो मेहनत करनी पड़ रही थी। जब आप मेहनत करते रहते हैं तो शरीर चलता रहता है, जब आप आलस से भर जाते हैं उसके बाद काम करना बहुत मुश्किल भरा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा लग रहा था। लेकिन एक दिन एक आदमी जब अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए मेरे पास आया हुआ था, वो मुझे देखे जा रहा था। पहले तो मुझे लगा वो काफ़ी ठरकी है, बाहर सिर्फ लड़कियों को देख रहा होगा। लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर ऐसी टिकी हुई थी, मुझे लगा ये साला पलटू तो नहीं, कहीं मुझ पर गंदी नज़र रखे हुए तो नहीं देख रहा। मैंने उसको कहा था, भाई साहब क्या देखे जा रहे हैं, कब से देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप ताड़े जा रहे हैं, मुझे ताड़े जा रहे हैं। उसने कहा, तुम बहुत मेहनती लगते हो, मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा, अगर काम सही होगा फिर तो मैं करूँगा। उसने कहा, क्या तुम अपनी इस दुकान पर बैटरीज बेच सकते हो। मैंने कहा, हाँ बेच सकता हूँ, अगर मुझे सस्ती बैटरीज मिल जाएं तो मैं बेच सकता हूँ। उसने कहा, मैंने एक बड़ी एजेंसी ले रखी है बैटरीज की, बाइक की बैटरीज मैं बेचने का काम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो उन बैटरीज को बेच सके। क्या तुम उन बैटरीज को यहाँ कस्टमर्स को बेच पाओगे। मुझे पता है यहाँ कई ऐसी बाइक्स आती हैं जो बैटरीज चेंज करवाने के लिए मुझसे पूछ रहे होते हैं। मैं उन्हें हर बार अलग दुकान बताता हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता। अगर मुझे सस्ती बैटरीज यहाँ पर मिल जाएं तो मैं खुद बैटरी लगा दूंगा। मैंने उससे पूछा, मार्जिन क्या होगा। उसने कहा, 40%, तुम्हें 40% पैसे बचेंगे। मुझे लगा इससे ज़्यादा कमाई तो मैं कर ही नहीं सकता, हर दिन अगर 2 बैटरीज भी बेचूंगा तो ढेर सारी कमाई हो सकती है। मैंने उसको कहा था, चलो मैं काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा, 20% तुम्हें पहले देना होगा, तभी मैं बैटरीज वहाँ पर रखूँगा। देखो मैं पूरे पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन 20% तो तुम्हें देने होंगे ना, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। मैं मान चुका था, मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे, मैंने उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए। वो कह रहा था, मुझे अकाउंट में मत डालना वरना मैं टैक्स देना नहीं चाहता, तो तुम्हें भी टैक्स भरना पड़ जाएगा। उसने कैश पैसे लिए थे और कहा था, शाम के वक्त तुम्हारे पास कुल 800 बैटरीज आ जाएंगी, ये एक टेम्पू भरकर होंगी। और मैं रात तक इंतज़ार करता रहा, ना वो टेम्पू आया था ना उस आदमी का फ़ोन आया था। मैं उसे फ़ोन लगाता रहा, उसने फ़ोन उठाया नहीं। मैं एक हफ्ते बाद समझा था, 1.5 लाख का नुकसान कर दिया था उसने मेरा। वो कहाँ गया, दोबारा नज़र नहीं आया। उसने जो एड्रेस दिया था वो भी सही नहीं था, कोई मुझे ठग कर चला गया था, मेरे 1.5 लाख रुपए भी ले गया और मुझे सदमा लग चुका था।
उसके बाद मैं क्या करता। मुझे लग रहा था इतना समय लगाया मैंने पैसे जोड़ने में, कोई मुझे ठग कर चला गया, अब मैं क्या करूं। जब ये बात मैंने अपने बुआ के लड़के को बताई थी ना, वो हंसता हुआ कहने लगा था, मैंने तुझे पहले ही कहा था मैकेनिक बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। देख मेरा यह सूट कितने का होगा। उसका बहुत चमकीला सा सूट था, वो नीले रंग का था और देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने कहा 5-7 हज़ार का होगा। उसने कहा देख तू छोटा है, छोटा ही रहेगा, 20 हज़ार का सूट है ये, 20 हज़ार का। मैंने कहा इतना महंगा यार, इतना महंगा सूट पहने हुए है तू, तूने पैसे जोड़कर खरीदा होगा ना। उसने कहा पैसे जोड़कर, अरे नहीं यार, ये आज दोपहर तक डालूंगा, उसके बाद चेंज करूंगा, पसीना आ जाएगा ना, हर रोज़ बदल बदल कर सूट पहनता हूं और हर 6 महीने में मैं 15-20 सूट सिलवा ही लेता हूं, पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। मैं उसके करीब हुआ, बता यार कहाँ से आ रहे हैं, इतने पैसे कैसे कमा रहा है। उसने कहा याद है तुझे, तुझे मैंने 2 साल पहले कहा था नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, मैंने वो 2 साल तक किया और देख मेरे पास कितने पैसे आ गए। और बुआ जी को बताना मत, मेरे पास गाड़ी भी है, बस मैं घर में उन्हें बताता नहीं मेरे पास कितने पैसे हैं, जल्द ही बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। अब तू बता, देख तू कहाँ है, एक बाइक मैकेनिक गंदे कपड़े पहने हुए, और मैं देख कहाँ पहुँच गया, इतना महंगा सूट, गाड़ी भी छिपा कर रखी हुई है एक छोटी वाली मैंने। तू बता तू ये काम करना चाहता है। मैंने हाथ जोड़े, हाँ यार क्या सच में मैं इतने ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसने कहा अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है, इस प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से बेच सकता है, और मैं तुझसे वादा करता हूँ 2 साल बाद तेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, और 6 महीने बाद तू पैसों के बारे में इतना ज़्यादा सोचेगा तुझे नींद नहीं आएगी, तू गिन नहीं पाएगा पैसे, गिन नहीं पाएगा, मैं वादा करता हूँ। वो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा था तो मुझे लगा अब ये मैकेनिक ही मैं कब तक करता रहूँगा, इस काम में अगर इतना फ़ायदा है तो यहीं क्यों ना कर लूँ। उसकी बातों में हामी भर दी थी मैंने और उसने मुझे पूरा स्ट्रक्चर समझाया, बस अपने नीचे 3 अपने जैसों को लगाना है और वो 3 अपने नीचे अपने जैसों को और लगाएंगे, इस तरह 9 जन हो जाएंगे, फिर 9 के अलग अलग बनते जाएंगे, ये सीढ़ी के समान बताया था उसने कुछ, ऐसे हज़ारों लोग मेरे नीचे काम करेंगे। उसकी बातें सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं कल ही करोड़पति बनने वाला हूँ। वो तो मुझे कहे भी जा रहा था जब घर जाओ ना जाकर गाड़ियाँ देखना कौन सी गाड़ी लेनी है, देख तू गाड़ी देखेगा ना तेरे घर के बाहर गाड़ी आ भी जाएगी, बस 3 लोग अपने नीचे लगा लेना। मैंने वो अपनी दुकान छोड़ दी थी, सारा सामान बेच दिया था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना हाथ आजमाने की सोच ली थी और उसने कहा था वो सेट मुझे करवा देगा। मैं भी उसके जैसा अमीर बनना चाहता था, मैं लग गया 3 ऐसे लोगों को ढूंढना था जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ पाएं। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, लोगों से पूछना शुरू कर दिया, कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मैं धक्के खाता रहा। तब बुआ के लड़के ने मुझे 2 महीने बाद बताया था जो सूट उसने पहना हुआ था वो 1300 रुपये का एक सेल से लिया था, और वही सूट वो हर रोज़ पहनता है, उसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन दिखाना पड़ता है तभी हमारे नीचे और लोग लगते हैं। उसने कहा उसकी टूटी हुई साइकिल है, वो जब भी ऑफिस में पहुंचता है पीछे छिपा देता है, लेकिन लोगों के सामने हमें अमीर बनना पड़ता है। बुआ के लड़के ने तब कहा था जैसे मैंने तुझे फंसाया, अब 3 लोग तुझे अपने नीचे वैसे फंसाने होंगे, फिर तेरा काम होगा। 4 महीने तक लोगों को मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने की कोशिश करता ही रहा था, लेकिन समझ गया ये कोई काम का काम नहीं है, जिसमें कुछ कामयाब होते हैं बाकी नालियों में गिरते हैं, मैं वो नाली में गिरने वाला था। शराब की लत लग गई थी मुझे, अब मैं बुआ के लड़के को बिल्कुल बुलाना नहीं चाहता था, मैं फिर से मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन मैंने अपने जितने भी औजार थे सब बेच दिए थे, मैं क्या करता, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बस उधार ही मांगने वाला हो गया था मैं। मेरी ज़िंदगी की बेवकूफ़ियों ने मुझे उधार मांगने पर मजबूर कर दिया। जब मैं अपने एक दोस्त के पास रात के 8 बजे उसके घर गया था, गिड़गिड़ा कर मैं कह रहा था देख मुझे 20 हज़ार रुपये दे दे, मैं वापस कर दूंगा, मैं मेहनत करूंगा तेरे पैसे वापस कर दूंगा। उसने कहा था एक छोटा सा काम कर दे, तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी और वापस मत करना, तेरे होंगे 20 हज़ार, आज हमारे साथ चल, एक बहुत मेहनत वाला काम है,
एक रात में 20,000 बन जाएंगे। मैं खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं साथ जाने को तैयार हूँ। मैंने कई सपने संजो लिए थे, अगर एक रात में 20,000 मिल सकते हैं तो यही काम मैं करना शुरू कर दूंगा, एक बार करके तो देखूं। उनके साथ मैं बाइक पर गया था, वो दो थे, मुझे बीच में बिठा लिया उन्होंने, अब शहर की एक तरफ ले गए। उसके बाद कहने लगे इस घर में काम है, लेकिन हम गेट से नहीं जा सकते, दीवार फांदनी होगी। मैंने हामी में हामी भरी और उसके बाद हम दीवार फांद कर दूसरी तरफ। उसके बाद वो कहने लगे मैं चाबी भूल गया, ये ताला खोलना पड़ेगा हमें, क्या तुम इस ताले को तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं मैकेनिक हूँ, ताले तोड़ने वाला नहीं यार। तो वो एक छोटी सी लोहे काटने वाली आरी को लेकर आए थे, उससे वो ताले को काटने लगे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर लगा कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना, कई बार हमसे चाबी घर में रह जाती है, हो सकता है इससे भी चाबी घर रह गई हो। जब पड़ोसियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था ना, चोर चोर चोर, तब मैं भी समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। वो पक्के चोर थे, एक मिनट में दीवार फांद कर वहाँ से भाग गए। मैं दीवार फांद ही नहीं पाया, आधे घंटे तक मैं घिर चुका था। जब पुलिस वाले आए, मैं समझ नहीं पा रहा था उनमें से पुलिस वाले कौन से हैं, वो तो पीछे थे, आगे लोग पकड़ पकड़ कर पीट रहे। वहाँ आगे घास लगी हुई थी और उस घास का स्वाद तक चखा था मैंने। मेरी पीठ पर दो तीन मोटू लड़के बैठ गए और मुझे चमाटे लगाते रहे, मुक्के कहाँ कहाँ पर मारे मैं शर्म से बता तक नहीं सकता। कुछ लोग तो कपड़े फाड़ने पर उतारू थे। उस दिन मैं देख रहा था, ये मोहल्ला शरीफों का लग रहा था। मेरे सारे कपड़े फट चुके थे, मैं लगभग नंगा ही था, लेकिन वो औरतें बेशर्मों की तरह हाथ में बेलन डंडे लिए मुझे पीटे जा रही थी, आंखें तक बंद नहीं कर रही थी, और मेरा शरीर अकड़ गया। इतना पिटा उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे अब पता चला पुलिस वाले रात के वक्त क्यों ज़्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पीटने का मन होता है। मुझे लॉकअप में फिर से उन्होंने पीटा, एक तो बार बार पीट रहा था। मेरी पैंट नीचे करके वो तलवार नुमा पट्टा जो पीछे मार रहे थे, तीन चार बार उन्होंने मारा और पांचवी बार से दर्द होना भी बंद हो चुका था, बस पटैक पटैक की आवाज़ आती और मेरा शरीर हिलता, तब मुझे पता चलता कि मुझे पटे पड़ रहे हैं, वरना मैं समझ तक नहीं पा रहा था। मैं लगभग दो दिन तक लॉकअप में रहा था। वहाँ रात को उनके हाथ में जब भी खुजली होती मुझे पीटने के लिए आ जाते। चौथे दिन मुझे जेल में भेज दिया गया, सज़ा हुई थी 4 महीने की। चोरी के इल्ज़ाम में मुझे पकड़ा गया और पूछा तक नहीं मेरे साथ कौन था, बस पीटने की खुजली हर किसी को। जेल में मुझे बहुत डर लग रहा था, वहाँ एक से बढ़कर एक कातिल गुंडे थे, वहाँ आपस में गैंग वॉर भी हुआ करती और मैं कोने में सिमट जाता, मैं आंखें बंद कर लेता। और वहाँ मेरे कुछ दोस्त बने थे, वो सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने बताया वो भी चोरी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई, वो किसी पर भरोसा कर चुके थे और उसने धोखा दे दिया। मैंने कहा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हम दोनों के साथ एक जैसा हुआ था इसलिए दोस्ती हो गई। वो तीन लोग थे, मैं उनके साथ चौथा, इस तरह हमारी भी चोरों वाली छोटी सी गैंग बन गई थी। 3 महीने में मैंने उनका भरोसा जीत लिया था और वो मुझे अपना भाई मानते थे। वो कहते थे तू चोर हो ही नहीं सकता, किसी ने तुझे फंसाया है। मैंने कहा हाँ, धोखा दिया था, मुझे फंसाया है, तुम भी यकीन करते हो ना, मैं चोरी कर ही नहीं सकता, मैं बेईमान हूँ ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपनी सच्ची कहानी बताई। 3 महीने बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक बैंक में चोरी की थी, 5 करोड़ रुपए चुराए थे, जिसे लेकर वो चंबल की पहाड़ियों में छिपे थे। वहाँ एक छलावा उन्हें मिल गया, वो छलावा बहुत चालाक था, उस छलावे ने इन चोरों से भी वो 5 करोड़ रुपए चुरा लिए और इन्हें जैसे पता नहीं चल रहा था करें तो क्या करें। फिर पुलिस वहाँ पर आ गई और पुलिस ने इनको पकड़ लिया। वो कहते हैं उन्हें पता है किस पहाड़ी पर 5 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने मुझे बताया था क्योंकि मैं जेल से छूटने वाला था। उन्होंने कहा तुझ पर हमें भरोसा है, वहाँ 5 करोड़ रुपए उस छलावे से तुझे छीनने होंगे। छलावा कभी भी चुराई गई चीज़ को वापस नहीं करता, बस उसे बेवकूफ़ बनाना, वहाँ से 5 करोड़ रुपए ले लेना, चाहे
तू 1.5 करोड़ रखना चाहता है तो रख लेना, ये तेरा हिस्सा समझना, लेकिन बाकी पैसों को हमारे घर वालों को दे देना ताकि वो हमें जेल से किसी तरह से बाहर निकाल पाएं। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। 1.5 करोड़ रुपए, मैं तो इतना भी पता नहीं कर पा रहा था करोड़ में 0 कितने होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा था और उन्होंने कहा, पुलिस को हमने बिल्कुल नहीं बताया, बहुत पिटे हम, हमारे शरीर का नीचे वाला हिस्सा भी मोटा हो गया पिट पिट कर, लेकिन हमने पुलिस को बताया नहीं, तुझे बता रहे हैं, तू तो हमारा भाई है ना, बस बाहर निकल कर हमारे घर वालों को वो पैसे दे देना। मैं उनसे गले मिला था जब जेल से बाहर निकला था, और जेल से बाहर निकलते ही सारा डर खत्म था। जेल में जाने के बाद आप मुजरिम बन ही जाते हैं, भरे ही गलती से क्यों ना बने हो। अब मैं दोबारा मैकेनिक तो बन नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए अगर आ जाएं फिर काम करने की ज़रूरत नहीं, और फिर मैं ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा, ताउम्र उन पैसों से अय्याशी करूँगा। मैं प्लान बनाने लगा था कैसे वहाँ तक जाऊँ, कैसे 5 करोड़ रुपए उस छलावे से छीनूं। अब मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मक्कार हो, जो मेरी मदद कर सके, क्योंकि जेल से बाहर निकला था तो मुझसे बात भी कोई ऐसा करेगा जो बाकियों से अलग हो। मेरी बुआ का लड़का बॉबी, जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा चुका था, उससे मक्कार तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले उसके पास पहुंचा और वो एक बड़े से होटल के बाहर खड़ा था, वही वाला सूट पहने हुए, किसी से बात कर रहा था और बार बार चश्मा उतार कर कभी नीचे रख देता, कभी उससे कुछ अजीब से अंदाज में कहने लगता। जब मैं उसके करीब गया तब वो उस लड़के को कह रहा था, इस होटल के जो ऊपर वाले कमरे हैं ना, वो मैं खरीद चुका हूँ, असल में 2-3 सालों में इस होटल को खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मालिक बहुत पीछे पड़ा हुआ है, अभी खरीद, देख मैं अभी खरीदना नहीं चाहता, अभी मुझे एक प्राइवेट जेट खरीदना है। वो उस लड़के को इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं सीधा उसके करीब पहुंच गया और मुझे देखते ही बॉबी का चेहरा उतर चुका था। बॉबी अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कह रहा था, ये आदिल है, मेरा भाई है भाई, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये ना एक खास ट्रिप से अभी आया है सिंगापुर से, ये भी मेरे साथ काम करता है, हम थोड़ा खास बात करना चाहते हैं, तुम जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूँगा। ये कहकर उसने उस लड़के को भेजा था और मेरे सामने उसकी नज़रें झुकी हुई। मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसने कभी मुझे फंसाया था, लेकिन अब मुझे उससे काम था। समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसीलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, बता तू कितने पैसे कमा चुका है। उसने अपने उतरे हुए चेहरे से बयां कर दिया था उसका हाल क्या है, यार किसी ने मुझे फंसाया था, अब क्या करूं, और कोई काम मैं कर नहीं सकता, बस अपने नीचे नए नए लड़कों को लगाता रहता हूं, कहता रहता हूं अपने नीचे 3 और को लगाओ, लेकिन कोई भी अपने नीचे 3 नहीं लगा पाता, और जो मेरे ऊपर वाले हैं वो तो पैसे कमाते जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं यार, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है और कोई काम मैं कर नहीं सकता, अगर तेरे पास कोई लड़का है तो बता, देख हम दोनों मिलकर उसे फंसाएंगे। मैंने उसे कहा था, अब चिल्लर के लिए काम करना छोड़ दे, मेरे पास एक बड़ा काम है, वो काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, मेरी बात सुन, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे 1.5 करोड़ मिलेंगे, क्या तू काम करने को तैयार है। उसने तभी अपने उस कोट के बटन लगा कर कहा था, तू जो करवाना चाहता है करवा दे, चाहे मुझसे नंगा नाच करवा ले, 10 लाख दे दे यार, नेटवर्क मार्केटिंग में इससे भी गंदे तरीके से मैं तलवे चाट चुका हूँ, तू जो करवाना चाहता है करवा। मैंने उसको कहा था, चंबल की पहाड़ियों में जाना पड़ेगा, तुझे एक ऐसे इंसान को फंसाना होगा जो असल में इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बात बता दी तो वो खुश था, क्योंकि वो कह रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में इससे भी ज़्यादा परेशान है वो। हम दोनों अब तैयार थे चंबल की पहाड़ियों में जाने के लिए। चंबल की पहाड़ियों में वो पीछे वाली लाल पहाड़ी जिस पर बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे वो छलावा नज़र आता है, और जब वो छलावा नज़र आएगा उससे पूछना होगा 5 करोड़ कहाँ है, तब वो शायद बता दे, लेकिन उससे जवाब पाना बहुत मुश्किल है,
और वो हर किसी को फंसाने की कोशिश करता है। मैं बॉबी को लेकर चंबल की पहाड़ियों में पहुंच चुका था। हमने बाइक बहुत पहले ही एक खास जगह पर छुपा दी थी ताकि कोई चुरा कर ना ले जाए। हम वो कहानियां जानते हैं, चंबल के लुटेरे। जो चंबल में होता है वो कहीं नहीं होता, और चंबल की डकैती और मूर्ख की बकैती सबसे खतरनाक होती है। ऐसी बहुत कहावतें हम सुने हुए थे, इसीलिए चंबल की वो लाल पहाड़ी को ढूंढना मुश्किल भरा हो रहा था। बार बार हमारी सांस फूल जाती, और ये अजीब से टीले नुमा पहाड़ियाँ थे जिनके बीच से निकलकर कभी कभी डर भी बहुत लगता। दोपहर तक तो धूप में हमारा बुरा हाल हो चुका था, लेकिन लाल पहाड़ी के पास हम पहुँच ही गए थे। यहीं कहीं छिपाया था उन्होंने 5 करोड़ रुपए को, और उस छलावे ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया था। मैं भूतों पर यकीन नहीं किया करता था। मुझे लगता था छलावा कोई इंसान होगा जो अपना रंग रूप बदलकर, कपड़े बदलकर हमें बेवकूफ़ बनाता होगा, और यहाँ बस ऐसे किसी आदमी को ढूंढना है। या हो सकता है उस आदमी ने 5 करोड़ रुपए बर्बाद भी कर दिए हों। हमें उस चीज़ का पता करना था, और यहाँ हम ढूंढने लगे छलावे को। बॉबी तो ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगा था, छलावा भाई, छलावा भाई, सौदा करने आए हैं हम, सौदा करने आए हैं छलावा। वो बार बार ऐसे ऊंची आवाज़ में कह रहा था जैसे वो खुद हमारे पास आ जाएगा कि मैं हूँ छलावा। तभी गोली की एक आवाज़ चारों तरफ गूंज गई थी। एक पहाड़ी के ऊपर डाकू के कपड़े पहने एक आदमी, वो एक गोली चलाकर हमें सावधान करना चाहता था, और हम सावधान हो गए थे। ऊपर से उसने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, यहाँ लुटने के लिए खुद आए हो तो लुटो, उतारो कपड़े। अब उसने कपड़े उतारने को कह दिया था क्योंकि बंदूक की नली हमारे तरफ थी। हमने भी जल्दी जल्दी कपड़े उतारे। हम तो छलावे को ढूंढने आए थे और हमें लुटेरे मिल गए, लेकिन जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा वो अकेला था, हाथ में उसके बंदूक। हम उसको देखकर कहने लगे, भाई साहब आप अकेले हैं, आपके साथी नहीं है। उसने कहा, साथी पास के तालाब में नहा रहे हैं, मुझे लगा अच्छे कपड़े कहीं से लेकर आऊं, यहाँ घूमता फिरता जो भी मिल जाता है चंबल में उसे लूट लिया जाता है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से लुटता रहता है, मेरे साथी तो खुद मुझे लूटते रहते हैं, लेकिन जिसके हाथ में बंदूक हो लूटता वो है। अब उसने हमारे कपड़े लूट डाले थे, हमने उसे कहा था कच्छा तो छोड़ दे, उसने नहीं छोड़ा, सारे कपड़े लिए थे हम बिना कपड़ों के। वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के ढेले थे, उसे पकड़कर अपनी इज्जत बचा रहे थे। वो डाकू तो उस पहाड़ी पर दोबारा से चढ़ गया था। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, हमारी आँखों के सामने उसका रूप बदल गया था। उसका पूरा का पूरा शरीर काला था। ऐसा नहीं लग रहा था ये कोई इंसान हो, ऐसा लग रहा था ये कोई बहरूपिया हो जो अपने कपड़ों का, अपने शरीर का रंग रूप बदल सकता हो, और पूरी तरह से काला, बस उसकी सफ़ेद सी आंखें दिख रही और उसकी वो हंसी जो हर तरफ गूंज गई थी। तभी बॉबी ने कहा था, छलावा, ऐसे होते हैं छलावे जो रूप बदल सकते हैं। और हम बिना कपड़ों के उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे, वो तो बड़ी तेज़ी से चढ़ गया, उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, उसने हर चीज़ नकली बनाई थी। इस तरह उस पहाड़ी पर जब हम आधे घंटे में मेहनत से चढ़े, वो दूसरी तरफ से कहाँ पहुँच गया था हम जान तक नहीं पाए, लेकिन बिना कपड़ों के उस धूप में चमड़ी कितनी सड़ती है हमने महसूस किया था। हम उस छलावे को तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन उन पहाड़ियों से नीचे उतरे थे, हमें सड़क तक जाना था और बिना कपड़ों के बाइक को चलाना था। उस मिट्टी के ढीलों के सिवा हमें अपनी इज्जत छिपाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। यहाँ हर जगह बंजर सी ज़मीन थी, बस कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी के ढीले से और कुछ नहीं। चलते चलते हम चंबल की उन पहाड़ियों से काफ़ी आगे निकल आए थे। बाइक ढूंढने की कोशिश कर रहे, सड़क के पास कहीं तो होनी चाहिए। वहाँ 4 लोग बाइक पर आए थे, काले कपड़े पहने हुए और देखने में लग रहा लुटेरे। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया, और एक ने बहुत दूर से ही आवाज़ लगा दी थी, घेर लो इन्हें, घेर लो, जो है जल्दी से निकालो। अब उसने ये कहा था, हमारे पास तो मिट्टी के वो ठीले ही थे जो उन्हें दे सकते थे, हमने उन्हें दे दिया।
और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से वो मिट्टी के ठीले हमें वापस भी कर दिए और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तुम तो पहले से लुटे लुटाए आए हो। हमने सुना था कि चंबल के लुटेरे कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन अगर किसी के पास कुछ हो ही ना तो वो भी ईमानदारी से जिंदा छोड़ देते हैं। हमें जिंदा छोड़ दिया था। उसके बाद चलते चलते हम बाइक के पास पहुंचे थे। जैसे ही उस मिट्टी से ढकी हुई बाइक को हमने बाहर निकालने की कोशिश की, दूर से वो चंबल के लुटेरे आ गए, और वो कब से हमारा पीछा कर रहे थे हम नहीं जानते थे। उन्होंने हमें वहां घेर लिया और हमारी बाइक भी ले गए। वो खाली हाथ कभी नहीं रहते थे। आखिरकार नंगे दो लड़कों को भी लूट लिया था उन्होंने। हमारे पास अब कुछ नहीं था। यहाँ से जाते तो कहाँ जाते। पीछे एक शहर बना हुआ था, लेकिन उस शहर में अगर कोई हमें देखता तो पीट पीट कर मार देता। इसीलिए हमें लगा चंबल की पहाड़ियों की तरफ बढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा। हम तो दूर भी नहीं भाग पाएंगे। वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे शरीर ढांकेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हम पीछे की तरफ मुड़ने लगे थे अब फिर से उस लाल पहाड़ी की ओर। वक्त शाम के 6 बजे का हो गया था, और उन पहाड़ियों के पास भटकते हुए बस शरीर को ढांकने की कोशिश कर रहे थे हम। उस लाल पहाड़ी के पास काले रंग का वही छलावा हमें दिख गया। हम चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। वो एक खास जगह पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था यहाँ पर वो रहता हो। और मैंने बॉबी के साथ मिलकर उसे घेरने की पूरी प्लानिंग बना ली। एक तरफ से बॉबी जाने लगा, एक तरफ से मैं जाने लगा। उसके बाद जैसे ही उसे पता चला उसने भागना शुरू कर दिया, और उसकी रफ्तार बहुत तेज। लेकिन उसे पकड़े बिना यहाँ से जाने वाले नहीं थे हम। हम बिना कपड़ों के उसके पीछे, और छलावा तो वैसे भी अपने शरीर को बिना कपड़ों के ही रखता है, वो अपने शरीर के ही कपड़े बना सकता है। वो तेज़ी से भागता जा रहा था और हम उसके पीछे। कभी वो एक कुत्ता बनता और उसकी रफ्तार तेज़ होती, लेकिन हम दो थे, और उन टीलों में वो रेतीली सी मिट्टी खिसकती है। उसके पांव भी खिसक रहे थे। रफ्तार उसकी कम होती जा रही थी। इंसानी रूप में ही वो तेज़ भाग सकता, इसीलिए ये रूप अपना कर वो भागने की कोशिश करता जा रहा था। जैसे जैसे उन टीलों के पास हम उसे घिरते गए, एक पहाड़ी आई जिसे उसे लगा पार किया जा सकता है, लेकिन वो कर नहीं पाया। घिसट घिसट कर नीचे आता गया, और हम तैयार थे। छलावे को पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ रखा है उसने पैसा, और उसके बाद पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। लेकिन उस जगह से किसी तरह वो ऊपर चढ़ पाया और सड़क की तरफ भागा। जैसे ही सड़क के करीब पहुंचा, वहां से एक बस गुजर रही थी। वो सड़क पर लेट गया और उसने अपना शरीर लड़की जैसा बना लिया। अपने कपड़े उसने खुद ब खुद ऐसे बनाए थे जैसे फटे हुए हों। लेकिन हम उसे पकड़ने के लिए जैसे ही करीब पहुंचे, वो बस रुक चुकी थी। लड़की की आवाज़ में चीख रहा था वो, ये डाकू मुझे उठा कर लेकर आए हैं, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बस से कई मुष्टंडे निकले थे और हमारे नंगे शरीर पर पत्थर मार मार कर जख्म बना दिए थे उन्होंने। वो दूर से ही हमें पत्थर मार मार कर भगाना चाहते थे। हम उन्हें कैसे कहते ये छलावा है। हम बस वहाँ से भाग निकले और उसे पकड़ तक ना पाए। कुछ मुष्टंडों ने इतने पत्थर ऐसी ऐसी जगह पर मारे, पीठ पर निशान पड़ गए थे। ना हम बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे। खून बस बहता बहता ऐसी ऐसी जगह से निकल रहा था, मैं बता नहीं सकता था। हम दोनों एक जगह बैठ गए पत्थर के ऊपर और रोने लगे थे। कोई हमारी मदद नहीं करेगा, बिना कपड़ों के ऐसे हमें देखेगा और छलावा तो लड़की बन जाएगा, उसके बाद बहुत पिटवाएगा वो। क्या करें, हमें किसी और दिन कुछ करना होगा, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूँढो। मैंने कहा, कैसे ढूँढूँ, यहाँ शरीर ढांकने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अंधेरा हो चला था। हम अंधेरे में चलकर उन पहाड़ियों से आगे निकले थे। सड़क के करीब करीब ही चल रहे थे। वहां साइकिल पर एक बूढ़ा आदमी नजर आया। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं था। हमें लग रहा था ये भी वो छलावा ही होगा, लेकिन किसी बेगुनाह को पीटना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए चलते चलते उस साइकिल वाले के करीब पहुंचे। हमें बिना कपड़ों के देखकर वो बूढ़ा आदमी भी कहने लगा था,
ओ छोकरो, काफ़ी ज़्यादा जवानी चढ़ी है, यहाँ किसको ढूंढ रहे हो, वो भी बिना कपड़ों के। देखो ऐसे डैर शहर में जाकर करो, गांव में ऐसा कुछ नहीं करते। उसकी आंखों की तरफ ध्यान गया था मेरा। उसकी आंखें साधारण थी, यानी वो कोई छलावा नहीं था। लेकिन छलावा कई बार अपनी आंखों को संभाल भी लेता है, इसीलिए सवाल पूछकर उससे सच उगलवाना होगा। मैं उसको कहने लगा था, हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है, तुम छलावा भी हो सकते हो। तब वो बूढ़ा हंसने लगा था, बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा, वो तो इतना हंसा कि साइकिल से गिर गया। फिर हमारे चेहरों की तरफ देखकर कहने लगा, चलावे ने फंसाया तुम्हें, चलावे ने फंसाया। तभी कहूँ, तुम दो नंगे यहाँ पर क्या कर रहे हो? छलावे ने कपड़े तक उतार दिए। जो उससे उलझता है उसके साथ यही होता है। वैसे तो चंबल को डाकुओं का इलाका कहा जाता है, लेकिन डाकू पुलिस से उतना नहीं डरते जितने उस छलावे से डरते हैं। नंगा करके भगाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। अब उसके पास दोबारा मत जाना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मार भी सकता है। हम उसकी बातें सुनकर ये तो पता कर पाए थे वो छलावा नहीं है, और वो कहे जा रहा था चले जाओ। अब बॉबी ने उसे धक्का दिया था, वो बूढ़ा आदमी पीछे गिर गया। तब बॉबी कहने लगा, छलावा काफ़ी कमज़ोर होता है, पता चल जाता है, छलावा होता तो मर चुका होता, ये छलावा नहीं है। और बूढ़े आदमी ने उठकर जो बड़ा पत्थर सर पर मारा था ना बॉबी के, बॉबी एक तरफ बेहोश हो गया था। फिर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, आजा तू भी धक्का मार के देख ले। मैंने कहा, नहीं अंकल नहीं, देखो माफ़ कर दो, हमें किसी पर भरोसा नहीं, हमें लगा तुम भी एक छलावा हो। तब वो बूढ़ा आदमी हंसता हुआ कहने लगा, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझता हूँ, वो इतना ज़्यादा चालाक है किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आओ तो मैं साइकिल पर बिठा कर थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ। अब बॉबी को होश में लाया गया था, बॉबी पीछे बैठ गया था और मैं साइकिल के उस डंडे पर आगे बैठा हुआ। वो बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा और हमें लग रहा था जैसे पूरी रात लगा देगा आगे किसी गांव में पहुंचाने के लिए। भले ही वो साइकिल धीमी चला रहा था, लेकिन उसकी बातें बहुत काम वाली थी। बातों बातों में उसने ये बता दिया था एक छलावे की कमज़ोरी क्या होती है, डाली चुड़ैल। आगे कई गांव में डाली चुड़ैल की कहानियां बताई जाती हैं, और कई ऐसे लोग होते भी हैं जो डाली चुड़ैल को काबू में कर लेते हैं। जिसके काबू में डाली चुड़ैल, उसके काबू में वो छलावा, क्योंकि डाली चुड़ैल की चंगुल से छलावा नहीं बच सकता। डाली चुड़ैल की शक्तियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि छलावा खुद ब खुद फंस जाता है। डाली चुड़ैल खूबसूरत बनकर छलावे को बहका सकती है, और उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी। हमें भी कोई ऐसी डाली चुड़ैल की मदद चाहिए थी। लगभग 6 घंटे उस बूढ़े ने साइकिल चलाई थी और वो हाँफने लगा था। फिर हम दोनों की एक चमाट लगा कर कहने लगा, बूढ़ा इतनी देर से साइकिल चला रहा है, कमीनो थोड़ी तुम भी मदद कर दो। हमने भी साइकिल चलाई थी। इस तरह हम बारी बारी तीनों साइकिल चलाते चलाते एक गाँव तक पहुँचे थे। उस गांव में मांग कर हमने कपड़े लिए थे, तब जाकर हमारी इज्जत छिप पाई थी। अब उसी गांव में वो बूढ़ा रहता था। अब उस बूढ़े ने कई लोगों से मिलवाया, हर कोई डाली चुड़ैल की बात कर रहा था। तुम्हारे पास कोई डाली चुड़ैल की शक्ति नहीं है क्या, तुम डाली चुड़ैल को साथ नहीं लेकर गए? हम 5 करोड़ वाली बात नहीं बताना चाहते थे। हमने कहा था इस छलावे को हमेशा के लिए कैद करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया यहाँ एक ही छलावा नहीं है, कई छलावे हैं, कुछ बहुत ताकतवर कुछ कमज़ोर, तुम किस छलावे को कैद करना चाहते हो? ये बात सुनकर हम भी घबरा गए थे, इस बात का पता तो हमें था ही नहीं। लेकिन हम लाल पहाड़ी वाले उस छलावे की बात उन्हें नहीं बता रहे थे। डाली चुड़ैल के बारे में पता कर लिया, पास के एक गांव में एक तांत्रिक है जो ऐसी चुड़ैलों को काबू कर लेता है। वो कम ही पैसे लेता है और चुड़ैल को काबू कर लेता है। उस चुड़ैल को काबू करके आपका गुलाम बना देता है, फिर उससे जो करवाना चाहो वो करवा सकते हैं। हम सीधा पहुंच गए उस तांत्रिक के पास, और वो तांत्रिक हमारी मदद करने को तैयार। इस तरह वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर पहुंचना पड़ा हमें। कई ऐसी जगह जहाँ चुड़ैलों की कहानियाँ बताई जा रही थी, हम ऐसी जगह पहुँचे, वीरान खंडहर गाँव, जिसे छोड़कर हर कोई जा चुका था।
उसने बताया यहाँ चुड़ैल मिलना बहुत आसान है, वीरान जगहों पर भूत प्रेत चुड़ैलें रहती हैं। पूरी रात हम वहाँ पर भटके थे, कई भूत दिखे थे, कई छलावे दिखे थे। वो चाहता था कि हम ऐसे किसी छलावे को कैद कर लें। अब सच उसे भी नहीं बता सकते थे हम छलावे को कैद क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक कुएं के पास एक चुड़ैल दिख गई जो हमें मारना चाहती थी, और उस तांत्रिक की शक्तियां बेपनाह फैल रही थी। उस चुड़ैल को कुछ ही समय में बंदी बना दिया था, एक बोतल में उसे कैद कर लिया, फिर उसके पैर के नीचे घुंघरू बांध दिया। घुंघरू बंधने के बाद वो चुड़ैल हमारी गुलाम बन गई। हमसे 15,000 रुपये लिए थे उस तांत्रिक ने, फिर बोतल को तोड़कर उस चुड़ैल को बाहर छोड़ दिया और कहा, ये तुम्हारी गुलाम है, एक घुंघरू इसके पाँव में, एक घुंघरू तुम्हारे हाथ में है, इसे खनकाओ, तुम्हारे सामने वो चुड़ैल आ जाएगी। हमने कहा, अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो? तांत्रिक ने कहा, अगर वो तुम्हें मारेगी समझो वो भी मर जाएगी तड़प तड़प कर, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया और हमारे काबू में डाली चुड़ैल। हम उससे बात करना चाहते थे क्योंकि तांत्रिक ने उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया था। उस डाली चुड़ैल का मुंह बंद था, हम हाथ से घुंघरू खनकाते तब उसका मुंह खुलने वाला था। लेकिन वो डाली चुड़ैल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो बॉबी था उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी उससे। बॉबी कहे जा रहा था, यार ये चुड़ैल हमारी गुलाम है ना, इसे साधारण लड़की नहीं बना सकते, कितनी सुंदर है यार, ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। वो बार बार उसे देखकर ऐसे पागल सा हुए जा रहा था जैसे हमारे उस काम को भूल ही रहा हो। फिर मैंने वो घुंघरू खनकाया और सामने से वो आवाज़ आई थी, ओ पागल, तू जिस गंदी नज़र से देख रहा है ना मुझे, मन तो करता है अभी तुझे मार दूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे गुलाम बना रखा है इसलिए कुछ कर नहीं सकती। तब बॉबी ने कहा था, हाँ तुम गुलाम तो हो लेकिन हो बहुत खूबसूरत, चुड़ैल बनने से पहले यकीनन तुम पर बहुत लड़के मरते होंगे। तब गुस्से में आकर उस डाली चुड़ैल ने कहा था, ओ पागल के बच्चे, मैं लड़का था यहाँ लड़की बन गया, वो भी इस चुड़ैल के चक्कर में, एक ऐसी जगह से, एक ऐसा श्राप जिस कारण मैं चुड़ैल बना और अब तुम जैसों की गंदी नज़र पड़ती है इसीलिए लोगों को मारना पड़ता है। अगर तेरी गंदी नज़र मुझ पर रही ना, सबसे पहले आज़ाद होकर तुझे मारूंगी। अब हम तीनों दोबारा लाल पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे पास बस एक साइकिल ही थी। मैं साइकिल को चला रहा था, उस चुड़ैल को मैंने आगे बिठाया हुआ था और मेरे पीछे बॉबी बैठा हुआ था। लेकिन बॉबी बार बार कभी एक तरफ वजन डाल देता, कभी दूसरी तरफ, वो बस उस चुड़ैल को देखना चाहता था। एक जगह जब साइकिल रुका कर उस चुड़ैल ने कहा था, देखा दिल इस हवस के पुजारी को दूर कर दे, मैं इसके साथ नहीं जाने वाली, देख किस तरह घूम घूम कर मुझे देखने की कोशिश कर रहा है, मैं बता भी चुकी हूँ मैं पहले मर्द था, एक शाप के कारण मैं चुड़ैल बनी हूँ, अंदर से मैं मर्द ही हूँ लेकिन अब औरत हूँ इसलिए बोलना पड़ता है कि मैं लड़की हूँ, इसे समझा इस हवस के पुजारी को, वरना ये नाखून इसकी आंखों में गड़ा दूंगी। मैंने बॉबी को समझाया भी था, देख बॉबी, एक तो ये चुड़ैल है मरी हुई है, अब दूसरा ये तो मर्द है, तू क्यों आंखें आगे की तरफ किए जा रहा है। बॉबी फिर से अपना चेहरा नीचे कर लेता लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, बार बार झांक कर उसे देखने की कोशिश किए जा रहा था। हमने अब तक उस डाली चुड़ैल को बताया नहीं था उसे किस काम के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसे ये ज़रूर कहा था, हमारा एक काम कर दे हम तुझे आज़ाद कर देंगे, बस हमें नुकसान मत पहुंचाना। वो तैयार थी, इसके बाद वो आज़ाद होती। हम उसे साइकिल पर ले जाते रहे और मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। मैं थक जाता तो बॉबी चलाने के लिए आता लेकिन वो चुड़ैल कह देती, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, ये साइकिल नहीं चलाएगा, ये हवस का पुजारी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मेरी जांघें थक गई थी साइकिल चलाते चलाते, अब सीधा खड़ा नहीं जा रहा था। एक जगह मिट्टी में हमने उस साइकिल को दबाया, अब लाल पहाड़ी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो चुड़ैल पूछ रही थी, काम क्या है बताओ, हमने कहा अभी नहीं बाद में बताएंगे,
हो सकता है ये डर जाए, एक छलावा खतरनाक होता है ना। हम लाल पहाड़ी की एक तरफ थे और उस लाल पहाड़ी के ऊपर जो हमने देखा उसने हमें हैरान कर दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल इस पहाड़ी के ऊपर नाच रहे थे। ये देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आखिर जेठालाल यहाँ पर नाचने के लिए क्यों आया होगा। तभी उस चुड़ैल ने कहा था, भ्रम में मत रहो, मैं पहचान गई, ये एक छलावा है। वो जेठालाल अपना वो पैट स्टेप कर रहा था और तभी हमने नीचे से आवाज़ लगाई थी, ओ छलावा नीचे आ, अब तुझे नीचे आना ही होगा वरना हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। जब हमने ये कहा था उसकी नज़र नीचे पड़ी थी और इतनी तेज़ी से भागता आया वो। दो बार तो उसका सर एक पत्थर से टकराया था जब वो टीले से उतर रहा था, वो रेतीला टीला। बार बार वो फिसलता रहा, गिरता रहा, वो काले रंग का हो गया था और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी जबान नीचे की तरफ लटकी हुई थी। तब मैंने उस डाली चुड़ैल को कहा था, इसके पास एक सामान है, एक 5 करोड़ का बैग, वो इसने कहीं ना कहीं छिपाया है, हमें वो लेना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। और वो डाली चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्से में, ओ हवस के पुजारियो, तुम्हें ये पता भी है मैं इसे काबू कैसे करूँगी, तुम्हें पता भी है। सामने उस छलावे की जबान लटकी हुई मुंह से बाहर आई हुई और वो हमसे खुद दोस्ती करना चाहता था, वो हमसे बात करना चाहता था। और हमने जल्दी से उस घुंघरू को खनकाया और डाली चुड़ैल का मुंह बंद। अब वो छलावा हमारी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम यहाँ दोबारा आ गए, तुम्हें नंगू पुंगू करके भगाया था फिर भी बेशर्मों दोबारा आ गए, चाहते क्या हो, फिर से कुछ नया चाहते हो। इस बार ऐसा करता हूँ, नंगा करके चमड़ी भी उधेड़ दूंगा, अब हड्डियों वाले नंगे करूँगा तुम्हें। तभी बॉबी बोल पड़ा था, हमारे साथ डाली चुड़ैल है, तुझे खत्म कर देगी। और सामने से वो छलावा बोला था, छैनू नाम है मेरा, छैनू, एक चुड़ैल इतनी आसानी से मुझे मार नहीं सकती, और तुझे किसने कह दिया कि छलावे को एक चुड़ैल मार सकती है। बॉबी बहुत ज़्यादा घबरा गया। बॉबी तब मेरी तरफ देखने लगा, अबे यही तो सुना था ना, एक चुड़ैल एक छलावे को काबू कर सकती है, तो ये क्या कह रहा है। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, अभी ज़रा उस चुड़ैल को इसके पीछे छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने घुंघरू को घुमाया था, जैसे ही घुंघरू को हिलाया उसके बाद मैंने कहा, वो चुड़ैल मार दे इसे। वो चुड़ैल उड़ती हुई उस छलावे के पीछे, और वो छलावा कभी बिल्ली बनता कभी कुत्ता बनता, बार बार इधर उधर भटकता। वो आधे घंटे में चुड़ैल थक गई, लेकिन वो छलावा ना थका, हंसता रहा हंसता रहा, लेकिन वहाँ से दूर नहीं भाग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हमसे खेलना चाहता हो। वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, फिर भी उसे जाने का मौका मिला था, लेकिन छलावा वहाँ से गया नहीं, एक पत्थर पर बैठ गया और तब उस चुड़ैल को कहने लगा, आराम करो, इन पागलों की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पूरी रात खेल सकता हूँ। हमने उस चुड़ैल को अपने करीब बुलाया, वो चुड़ैल हमें नोचना चाहती थी बस मजबूर थी। मैंने घुंघरू को खनकाया और कहा, मुंह खोलो अपना। उसके बाद उसका मुंह खुला और जो माँ बहन की गालियाँ उसने दी ना हमें, पहले 5 मिनट तो हम सिर्फ गालियाँ ही सुनते रहे, और उसके बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ फिर उस डाली चुड़ैल ने कहा था, ओ पागलो, तुम्हें किसने कहा है कि एक चुड़ैल एक छलावे को मार सकती है, छलावे को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर उन्हें भटका कर बहका कर सामने लाओ तब उन्हें पकड़ा जा सकता है, तुमने तो पीछे पड़ने को कह दिया, पागल हो क्या, पूरा थका कर रख दिया। तब मैंने कहा, लेकिन हमें पता है एक डाली चुड़ैल ही छलावे को काबू कर सकती है, तो करो काबू। तब वो डाली चुड़ैल कहने लगी थी, और हवस के पुजारियों, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो, तुम्हें पता भी है डाली चुड़ैल एक छलावे को काबू कैसे करती है। मैंने कहा, नहीं, उसने कहा अपने हुस्न से, अपने हुस्न की अदाओं को बिखेर कर उसे अपने काबू में करना पड़ता है, एक डाली चुड़ैल एक छलावे से शादी करती है, इसीलिए छलावे घूमते रहते हैं डाली चुड़ैल को ढूंढने के लिए, ताकि उनके छोटी छोटी छलावियाँ हों। तुम मुझे उसके साथ भेजना चाहते हो। अब मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था,
और उस डाली चुड़ैल को देख भी रहा था। भले ही वो खूबसूरत लड़की थी, अंदर से तो वो लड़का था जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डर रहा था, वो छलावे की बाहर की तरफ लटकी हुई जीभ थी। तब दूर से उस छलावे ने भी कहा था, ओ हुस्न की परी, तू मेरे पीछे क्यों है पड़ी? देख, इन पागलों के साथ कोई सौदा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझ पर पहले से फिदा हूँ, इसीलिए भाग नहीं रहा। आजा आजा, तू मेरी बन जा, इन दोनों का इलाज तो मैं करता हूँ। तब उस चुड़ैल ने बड़ी मासूम सी नज़र से हमारी तरफ देखा था और कहा था, ओ कमीनो, ये मत करवाओ मुझसे, भले ही मैं गुलाम हूँ लेकिन तड़प तड़प कर मरने को तैयार हो जाऊँगी तुम्हें नोचने के बाद, ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं अंदर से मर्द हूँ। उसके बाद उस डाली चुड़ैल को हमने थोड़ा दूर किया, मैं और बॉबी आपस में बात करने लगे। बॉबी का कहना था, देख इससे अपना काम करवाते हैं और उस छलावे को भी चालाकी से फंसाते हैं, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। बॉबी खुद चलकर छलावे के करीब गया था और उस छलावे को कहने लगा था, भले ही ये डाली चुड़ैल हमारी गुलाम हो लेकिन हम इसे तुम्हारे पास नहीं भेज सकते, लेकिन अगर तुम इसे पटा लो ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मौका है तुम्हारे पास इसे पटाने का, इससे खूबसूरत डाली चुड़ैल नहीं मिलने वाली, ज़रा देख उसकी तरफ यार, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सोच ले अगर तू नहीं पटा सकता तो मेरी नज़र भी उस पर है। अब मैंने देखा दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, वो छलावा अब बॉबी से लड़ने को तैयार था, ऐसा लग रहा था जैसे अपने प्यार के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हों। उसके बाद छलावा मान गया, छलावे को अब इस बात का डर था कहीं बॉबी इस डाली चुड़ैल को पटा ना ले। अब सौदा हो गया और उस छलावे ने कहा था उस बैग को जहाँ पर रखा है वहाँ कई छलावे मिलेंगे और उस जगह का सफ़र हमें इकट्ठा करना होगा। अब हम उस छलावे के साथ चले जा रहे थे और वो डाली चुड़ैल की बड़ी बड़ी आँखें और डरावना चेहरा, और जैसे ही वो डरावना चेहरा बनाती वो छलावा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, वो हुस्न की तारीफें करने लगता और ऐसी ऐसी शायरी पढ़ने लगता कि मेरे मुंह से निकल ही पड़ता आथू। वो हमें ऐसी जगह पर ले गया था जहां पुलिस वाले डाकू चारों तरफ थे, 50 से 60 लोग थे, वो डाकू भी थे पुलिस वाले भी, आग जलाकर नाच रहे थे, कुछ ने कपड़े पहने ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई मेला लगा हुआ हो। हम सबको देखकर सब शांत हो गए थे। तब उनमें से सबसे हट्टा कट्टा आदमी हमारी तरफ आया था, ये ऐसा लग रहा था कोई दरोगा हो, उसने टोपी भी पहन रखी थी, हाथ में एक डंडा और करीब आकर कहने लगा, कोडवर्ड बताओ, छलावा आगे होकर कहने लगा था, वो आए तो कहना छैनू आया था। तब सब फिर से नाचना शुरू हो गए, वो जैसे उसे पहचान गए थे कि ये भी एक छलावा है, अपने साथियों के साथ आया है। तब वो उन लोगों के बीच से हमें आगे वाली रास्ते में लेकर गया, एक सुरंग सी बनी हुई थी जिसके नीचे की तरफ हम जाने लगे। वो छलावा ऐसा लग रहा था कोडवर्ड में आगे निकल पाया था। तभी बॉबी ने पूछा था वो जो हट्टा कट्टा था उसका नाम क्या था? तो इस छलावे ने कहा, उसका नाम छैनू था। बॉबी कहने लगा, तुम्हारा नाम भी छैनू है? उसने कहा, हाँ हम सब छलावों का नाम छैनू ही होता है, और तभी हमने कोडवर्ड रखा है, वो आए तो कहना छैनू आया था। वो नीचे छलावों की गुफा में हमें लेकर गया था और छलावों की गुफा की पहली स्लैब पर रखे हुए थे 3 बिग बॉस के अवार्ड्स। वो असली अवार्ड्स थे, उन्हें देखकर मैंने उस छलावे से सवाल पूछा था, ये कहाँ से चुराए तुमने? और वो छलावा हंसकर कहने लगा, 3 विनर हमारे छलावे ही तो थे, भेष बदल कर वहाँ पहुँचे हुए थे और जीत कर भी आए, लोगों को लगता है कि वो असली इंसान है, असल में आज भी वो छलावे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और एक तो मेरी बुआ का लड़का है। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, छैनू। उस गुफा में अजीब से अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं बता नहीं सकता, ऐसी महंगी चीज़ें, बहुत सस्ती चीज़ें, और वहाँ पीछे रखा वो बैग, उसी बैग में थे 5 करोड़ रुपए, जिसे देखते ही हम सब की आँखें चमक गई थी। वो डाली चुड़ैल की आँखें भी चमकी थी, लेकिन तब उसे ध्यान में आया
कि वो तो मर चुकी है। और फिर वो मायूस ही हो गई। छलावे ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और कहा था, फिक्र की कोई बात नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरे साथ तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। और उस चुड़ैल ने अपने नाखून उस छलावे की ऐसी जगह पर मारे थे, 10 मिनट तक चीखता रहा था वो। जब उस बैग को लेकर हम बाहर की तरफ आने वाले थे, तभी उस छलावे ने कहा था, सौदा याद है ना, घुंघरू दो मुझे, ये डाली चुड़ैल मेरी, ये बैग तुम्हारा। तब वो डाली चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तुमने ये सौदा किया? हमने कहा नहीं, हमने ये सौदा नहीं किया। अब वो डाली चुड़ैल हमें मारना चाहती थी और उस छलावे ने हमारे हाथ से वो घुंघरू छीन लिया। अब घुंघरू उसके हाथ में था और डाली चुड़ैल उसकी गुलाम थी। आंखों से निकल रहे थे उसके आंसू, लेकिन मुंह बंद था। हम बस बैग लेकर बाहर भागना चाहते थे, लेकिन इंसानियत मेरे अंदर भी थी। एक मर्द को किसी और मर्द के साथ मैं इस तरह से छोड़ नहीं सकता, जबकि वो उसे पसंद तक नहीं करता था। वहाँ खड़ा होकर मैं पत्थर मारने लगा था उस छलावे के ऊपर, लेकिन एक भी पत्थर उसे नहीं लगता। तभी बाहर से चलकर आया था वो हट्टा कट्टा छलावा, उसका नाम था छैनू। उसने बाहर पहुँचते ही आवाज़ लगाई थी, अगर कोई पूछे तो कहना छैनू आया था। ओ छैनू, क्यों परेशान कर रहा है इतनी खूबसूरत डाली को? तब नीचे वाला वो छलावा कह रहा था, इन्होंने सौदा किया था, बैग लेंगे और ये डाली मेरी होगी। तब उस छलावे ने कहा था, तुझे पता है डाली को पटाना पड़ता है, उसे कब्जाया नहीं जा सकता, छोड़ उसे, अगर वो जाना चाहती है तो तुझे छोड़ना होगा। दोनों में बहस होने लगी थी और वो हट्टा कट्टा छलावा कह रहा था, छोटे छैनू को छोड़ दे, छोटा छैनू जिद कर रहा था। तब उसे वो मनाने के लिए गालियां देने लगा और कहने लगा, देख तुझे उस दिन फुट ब्रदर खिलाया था ना, बॉल खिलाया था ना, नीचे से रोकर कहने लगा, हाँ हाँ आपने खिलाया था, लेकिन मैं क्या करूँ, तभी मैंने पूछा था, फुट ब्रदर वो क्या? उसने कहा, पाँव भाजी, पाँव भाजी खिलाई थी इसे। मैंने कहा, कैरी ऑन। वो छलावा ज़्यादातर इंग्लिश में बातें करता था और ये इंग्लिश तो कोई समझ नहीं सकता। उसे फिर से उसने कहा था, बोल इतना ही प्यार है हमारा, तुझसे मैं कह रहा हूँ छोड़ उसे, याद नहीं तुझे मैंने राउंड गॉसिप्स खिलाए थे, भूल गया तू? फिर से वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था जैसे उसने वो घुंघरू को छोड़ दिया। मैंने सवाल पूछा था, राउंड गॉसिप्स? उसने कहा, गोल गप्पे। अब वो छलावा मान चुका था और उसने घुंघरू हमारे हाथ में रख दिया। मैंने भी उस घुंघरू को खनकाया और कहा, डाली चुड़ैल तू आज़ाद है, अब तुझसे हमें कोई काम नहीं, इस बैग को ले जाकर हम अपना काम कर लेंगे। डाली चुड़ैल उड़ती हुई वहाँ से गायब हो गई थी, या कहूँ गायब हो गया था। उसके बाद हम बचे थे, लेकिन जो बॉबी था ना, उसकी नज़र बाकी चीज़ों पर भी थी। महंगी महंगी सुनहरी चीज़ें पड़ी थी और उसने उस तगड़े छलावे को कहा था, क्या हम यहाँ से कुछ और भी ले जा सकते हैं, बस थोड़ा सा कुछ उठाने दीजिए, थोड़ा हमारे काम भी आ सकता है। तब उस छलावे ने कहा था, डॉग क्रीप ब्रदर इन लॉ रन। हमें इसका मतलब समझ में नहीं आया, हम वहीं पर खड़े थे और वो गुस्सा किए जा रहा था, डॉग क्रीप ब्रदर इन लॉ रन। हमें उसका मतलब नहीं पता था, मैंने डरते डरते पूछा था और उसने उसका हिंदी कन्वर्ट करके बताया भी था, कुत्ते कमीने साले भाग जा, ये कहा था उसने। और हम समझ गए थे अब वो गुस्सा होने लगा है। और हम उस बैग को लेकर वहाँ से निकल आए थे। हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे जो उन चोरों ने चुराए थे और हमारे हाथ लग गए थे। हम साइकिल पर रखकर 5 करोड़ का वो बैग चंबल की उन पहाड़ियों से ला रहे थे, जहाँ पर डाकू सबको लूट लेते हैं। हम छलावों से 5 करोड़ लूट कर लेकर आए थे। जैसे ही हम आगे वाले गांव में पहुँचे, सुबह सुबह हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर सब कुछ उगलवा लिया था। वो छलावे की कहानी, वो चुड़ैल की कहानी, वो मानने को तैयार नहीं थे।
और पुलिस रिपोर्ट में बताया गया जब मैं जेल में था तब मुझे उन तीन चोरों ने बताया था कहाँ रखा है वो 5 करोड़ रुपए को जिसे मैं लेने के लिए गया था लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे और बॉबी को 6 महीने की जेल हुई थी और जेल में वो चोरों ने हमारी बहुत पिटाई की थी। वो कुछ समय बाद शायद बाहर आ जाते और उस पैसों का इस्तेमाल करते। हमने साइकिल पर 5 करोड़ रखे थे इसीलिए हम पकड़े गए भाग तक ना सके। ये हमारी जिंदगी की वो भयानक कहानी है या कहें आप बीती है। 6 महीने बाद जेल से निकलकर मैंने वही मैकेनिक की दुकान चलाई। वहाँ काम मैंने बढ़ा लिया और उसमें अच्छी कमाई होने लगी। अब तक समय बदल चुका है, महंगी महंगी बाइक आ चुकी थी इसलिए कमाई ज़्यादा होने लगी थी और बॉबी को भी मैंने अपनी दुकान पर ही रख लिया। हम अब हर तरह की ट्रिक जानते हैं। छलावे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया बेवकूफ़ कैसे बनाना है और हम यहाँ के सबसे बड़े मैकेनिक कहलाए जाते हैं। लेकिन हर बाप का एक बाप होता है और हम उस छलावे को कभी भूल नहीं सकते।